शादी की है यहाँ पे केस होगा पूर्णा जिला में क्यों होगा शादी अब यहाँ के बंगाल से केस करने है केस यहीं पे होगा कि हम बोले ना यहाँ से जाओ दिमाग है भेजा खराब नहीं करने नहीं। नहीं। तो बाप बेटी के साथ सो करके दो बच्चा पैदा किए होंगे वही बाप बेटी साले जी को हम पटना से दिल्ली तक जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक हाई कोर्ट से पूरा फाइव कोर्ट हम जहाँ जाना होगा वहां जाएंगे लेकिन लड़का को नहीं छोड़ेंगे हम क्योंकि मेरे खेला है इज्जत इंसान सर एक बार चल जाता है ना वापस भला से काम भी करते हैं सिर्फ हम पानी पी पी कर रहते हैं चौबीसों घंटे मुझे उसका याद है उसके बगैर नहीं जी पाएंगे उसकी वजह से मैंने हर एक संसार छोड़ दिया घर तुआर माए बाप सब कुछ छोड़ दिया और उसने जो बोला मैंने वो किया और किस्टम लेके रखा और किस्टम ना चाहिए हम वो भी किए और जहाँ जो रूम में रखा मैंने वो रूम में रहा लेकिन आज दिन हम जो बोलेंगे उसको करना ही होगा और हाँ सर साले जी अगर जो मेरे इज्जत से खेला है मेरे मांग साले, में साला भी इज्जत से खेली है शाले जी मेरे जो पति है आ, वो मेरे इज्जत से खेला है आ, और ऊपर से मांग में सिंदूर डाला है आ, और उससे एक लड़का भी है आ, अगर जो लड़का मेरे हवाले नहीं होगा होंगे तो उसको हम मार देंगे आ, या उसको मार देंगे खुद के ही मर जाएंगे लेकिन उसको हम कहीं जीना नहीं चाहेगा कहीं शादी कर लेगा तो वो नहीं होगा जो बाप बेटी के साथ सो करके दो बच्चा पैदा किए होंगे वही बाप बेटी साले जी को हवाले करेंगे ठीक है लेकिन सर मुझे साले जी चाहिए जी हम उसके बगैर नहीं जी पाएंगे हमको साले हम सब कुछ छोड़ दिए उसकी वजह से जैसे भी से जो प्यार किए वो अभी तक मतलब आप सच्चा प्यार करते हैं जी वो मेरे को निशा सर हम ऐसे नहीं थे पहले हम बहुत क्या बताएंगे आपको लेकिन अभी हम खाने पीने कुछ नहीं खा रहे हमको हमेशा उसका याद आता है भला से काम भी करते हैं सिर्फ हम पानी पी पी कर रहते हैं चौबीसों घंटे मुझे उसका याद सताते रहते हैं चलिए अपना नाम बता दीजिए मेरा नाम मुस्कान है देख सकते हैं किस प्रकार से जो है जे ड्राइवर जो उनके घर के पास काम करने जाता था और काम करने के दौरान इनका घर जस्ट बगले में था और इनसे वो नजरे मिलाया और मिलाने के बाद नंबर लेना देना हुआ देने के बाद आठ सालों तक प्यार चला और उसके बाद आज जो प्यार है जो सड़कों पे आ गया है अब अदर की ठोकरें खा रही हैं मुस्कान और न्याय की गुहार लगा रही हैं कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि तो सर जहाँ तक हम बसतपुर थाना भी गए बड़ा बाबू जो था मैंने उसको जाके बोले तो बड़ा बाबू बोला कि आवेदन लिखवा दीजिए मैंने बोला ठीक है तो मैंने अंदर भी गया आवेदन लिखवाए कोई मैडम आवेदन लिख रही थी बार बार उसने आवेदन लिख रहे थे मिटा रहे थे लिख रहे थे मिटा रहे थे ऐसे करते करते फिर सर का बोले फोन आया तो सर बात करने गए बाहर तो सर आगे आके क्या बोल रहे हैं अंदर मेरे को कि आवेदन भी नहीं लिखना है हम हमने क्यों सर कि तो तुम्हारा घर कहाँ है पूर्णिया जिला तो केस पूर्णिया जिला में होगा क्यों शादी की है यहाँ पे केस होगा पूर्णिया जिला में क्यों होगा शादी न यहाँ से जाओ दिमाग है भेजा खराब नहीं करने का दिमाग नहीं काटने का यहाँ से जाओ तुम बोले अच्छा प्रशासन हो ये कौन सा कानून है भाई जो कि तुम्हें केस नहीं एक लड़की केस तुमने नहीं ले रहे निकाल रहे है थाना से चुटकी बजा के ये कौन सा कानून है तो क्या मांग करेंगे एसपी साहब से यही मांग करेंगे ऐसा ऐसा क्यों रखा है मुझे इंसाफ चाहिए हम बसरपुर था इंसाफ क्यों नहीं मिला उसका हर एक जिला पड़ रहा है बसतपुर थाना से घर भी था बसतपुर इसलिए मैंने चाहते तो कहीं और भी केस कर सकते थे बसतपुर क्यों आए कि इन लोग मेरा सपोर्ट करेंगे उनके सर के भी घर में तो बेटी होंगे आखिर बेटी किसको किसको घर में नहीं है ऐसा नहीं हर किसी की बेटी जो है ना ऐसे घर में बंद रहते बड़ा बू की बेटी ना घर से भाग सकते हैं ऐसा ऐसा दुनिया में हो गया है कल उनकी बेटी के साथ हो जाए तो सर क्या कुछ इंसाफ नहीं करेंगे अपने बेटी के लिए बताइए वो मुझे लेकिन निकाल दिया थाना से तो वैसे जब मामला आया था आप 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 उनसे उनसे भी उच्च अधिकारी है क्यों नहीं मिले डी एम साहब से मिलिए डीएम साहब से मिलिए हाँ। आप तो मिलेंगे क्योंकि बसतपुर थाना तो मेरा सुना नहीं आप तो आगे तो बढ़ नहीं पड़ेगा हम पटना तक जाएंगे हम पटना से दिल्ली तक जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक हाई कोर्ट से पूरा फाइव कोर्ट हम जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे लेकिन लड़का को नहीं छोड़ेंगे हम क्योंकि मेरे इज्जत से खेला है इज्जत इंसान के सर एक बार चल जाते हैं ना वापस दोबारा नहीं आते हैं वो लड़का मेरे इज्जत से खेला है उसको नहीं छोड़ेंगे वो मेरा नहीं होगा तो वरना किसी को होने नहीं देंगे सिर्फ और सिर्फ जी मेरे ही होंगे धन्यवाद